जल शक्ति विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा कंडाघाट में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में सहायक अभियंता रमेश चंद बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यशाला में 26 ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। ये कार्यालय खंड कार्यालय कंडाघाट के सहयोग से आयोजित की गई, जिसमें खंड योजना अधिकारी कंडाघाट एवं मंजुला कंवर समाज शिक्षा विशेष रूप से उपस्थित रहे। पंचायत प्रतिनिधियों को स्वच्छ जल के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी उपलब्ध करवाई गई। जल की गुणवत्ता को कैसे मापा जा सकता है, कौन सा जल उपयोग के लायक है, ये उन्हें प्रयोग के माध्यम से दर्शाया गया, ताकि गांववासी स्वयं ही जल का परीक्षण कर सकें। अधिक जानकारी देते हुए सहायक अभियंता रमेश चंद ने बताया कि कंडाघाट राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत संपूर्ण स्वच्छता मिशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि जल का परीक्षण करने के 26 पंचायतों के प्रधानों को फील्ड टेस्ट किट भी उपलब्ध करवाई गई। गांववासी जो पानी प्राकृतिक स्रोतों से पी रहे हैं, वे पानी पीने योग्य है या नहीं, इसे कैसे जांचा जा सकता है, इस बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई गई। उन्होंने कहा कि गांववासी स्वच्छ जल ग्रहण करें और जल जनित रोगों से वे बच सकें। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य यही है। आज कंडाघाट ब्लॉक में हमने एकीकृत विकास परियोजना हिमाचल प्रदेश की तरफ से ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को बुलाया था, जिसमें हमने एकीकृत विकास परियोजना के बारे में उनकी ओरिएंटेशन उन्मुखीकरण के लिए उनको यहाँ बुलाया गया था, ताकि वो अपनी ग्राम पंचायत की रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान को बनाएं और इस परियोजना से उचित लाभ उठा पाएं। जितने भी हमारे स्रोत हैं उनका स्थिरीकरण कैसे रहे और साथ में जलवायु परिवर्तन के अनुसार अपने कृषि आधारित जो भूमि है उस पर कैसे कार्यक्रम हम लागू इसमें कर पाएँ और उनके जन सहयोग से उनके जो उनका दिक्कतें हैं उनको पार करने के लिए अब परियोजना पूरा सहायता करेगी और उनके जो लोगों के बीच में जो कार्यक्रम हैं वो उनके पूर्ण रूप से कार्य करेगी।